संघर्ष महाभीषण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में चुनाव की आहट तेज हो गई है। एक तरफ ममता बैनर्जी की सरकार है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दावे दमदार हैं। वैसे तो बंगाल के चुनाव में दो दावेदार कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट भी हैं, लेकिन असली लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच ही छिड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जीत के दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं और इन दावों से टकराव, हिंसक चिंगारी भी इसके जरिए फूटती हुई नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ की मिट्टी में क्रांति के फूल खिलते हैं, यहाँ की हवाओं में इंकलाब की सदाएं गूंजती हैं, यहाँ की परंपरा में सड़े गले रिवाजों को तोड़ने का चलन है, यहाँ से धर्म की नई परिभाषा निकलती है, यहाँ से कला, संगीत और साहित्य से दुनिया रोशन होती है, यहाँ की मिट्टी से हिंदुस्तान के लिए एक आवाज उठती है, जय हिंद। वो बंगाल आजादी के बाद चुनावी राजनीति के कई दौर देख चुका है और आज वही बंगाल एक ऐसे चुनावी मोड़ पर खड़ा है जहां बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेता ममता बनर्जी ने बंगाल का सत्यानाश कर दिया है। और ममता जी ये बता दे कि पहले बंगाल में क्या था और वो कहां पर लेकर आई, तो केवल और केवल डिटोरिएशन है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे सीमा पर गाय तस्करी की बात है, चाहे घुसपैठ की बात है, हर जगह डिटोरिएशन। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता भी बीजेपी के चुनावी मंसूबों को मिट्टी में मिला देने का दम भर रही है। ऐसा दिखाते हैं, हम बंगाल को ले लेंगे, पहले दिल को संभालो, उसके बाद बंगाल को देखो। बंगाल की हवाओं में अब जय श्री राम के नारे गूंजने लगे हैं। बंगाल में अब टीएमसी और बीजेपी आमने सामने तनकर खड़े हो गए हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत और उन पर जानलेवा हमले ये बताते हैं कि वोट की लड़ाई कहां तक पहुंच सकती है। राजनीतिक मंच देखा होबे, जय जय नंदीग्राम, संगे आछेन तो? ए लड़ाईते मानुष जितबे, गणतंत्र जितबे, शुभेंदु अधिकारी भय पाए ना। भारत माता के जिंदाबाद शुद्ध ममता बनर्जी बोले ना, बाद बाकी सबाई बोले। क्यों ममता बनर्जी भारत वर्ष को पसंद करें ना, उन्हीं पाकिस्तान को पसंद करें। बंगाल ने सत्ता के कई रंग देखे हैं। आजादी के बाद देश के तमाम राज्यों की तरह बंगाल में भी कांग्रेस की सरकार बनी। 1947 से 1977 तक कमोबेश कांग्रेस की सरकार रही। 1977 से 2011 तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार चलती रही। 2011 से तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार चल रही। अब अगले साल चुनाव होने वाला है तो बंगाल की सियासी राजनीति तीखी होती जा रही है। ममता बनर्जी यहाँ सत्ता में आने के पीछे पहले वो कांग्रेस में थे, उसके बाद में बीजेपी के साथ साठगांठ, यानी कि एक क्षेत्रीय दल के नाते एक नेशनल पार्टी के साथ हिसाब किताब उनको रखना जरूरी है। और आज उनके दल के वो दौर लोग महागठबंधन की जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि साहब कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता सब एक साथ अगर नहीं मिलते हैं तो बीजेपी को रोकना मुश्किल होगा। जो चीज कम्युनिस्ट पार्टी में भी लोग समझ नहीं पाए, प्रकाश करात जैसे लोग समझ नहीं पाए और सैफुद्दीन चौधरी के साथ इन्होंने गड़बड़ किया कि मेन कॉन्ट्रडिक्शन बीजेपी है, बीजेपी जिस तरह से उभर रहा है, राइट विंग फोर्स है, इसको रोकना मुश्किल होगा अगर दूसरे सेकुलर पार्टीज एक जगह नहीं। आज बंगाल में जब तब खूनी हिंसा की खबरें आती हैं तो सवाल है कि क्या बंगाल में बवाल इसलिए है क्योंकि वहां चुनाव है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों में अपनी सरकार बना ली है। बीजेपी इधर बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने जा रही है। बीच में बचा बंगाल जहां अपना झंडा फहराने की उसकी तमन्ना है, लेकिन वहां आज भी ममता बनर्जी का व्यापक असर है। ऐसे में दोनों पार्टियों की जंग काफी तीखी होती हुई नजर आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसने बीजेपी की ताकत को 303 बना दिया, पूरी 303 सीट। इसमें अहम भूमिका पश्चिम बंगाल ने भी निभाई जहां बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली। यहां की परंपरा में इतना सामर्थ्य है कि वो मां माटी मानुष के नाम पर सरकार बनाने के बाद यहां के लोगों को चुन चुन करके रास्ते से हटा कर रही ममता सरकार को ही
हटा करके रहेगी। क्या किया? कुछ नहीं किया। डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी का नाम पे अत्याचार किया, लिंचिंग किया, बेरोजगारी बढ़ाया, किसान का आत्महत्या कर दिया, और क्या नहीं किया? ताए मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी अन्ना अन्ना, नरेंद्र मोदी अन्ना, अन्ना अन्ना, बीजेपी अन्ना। अभी नहीं होगा, नहीं होगा, बीजेपी नहीं होगा, बीजेपी जाएगा, बीजेपी हरेगा, बीजेपी जाएगा, यही राष्ट्रों का कहना है। लोकसभा चुनाव में जीत ने बीजेपी के हौसले को बुलंदी दी। इसको समझने के लिए पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बढ़ती हैसियत को देखिए। पश्चिम बंगाल के 2001 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी और वोट मिले थे 5.19%। 2006 के चुनाव में भी खाता नहीं खुला और वोट मिले 1.93%। 2011 में भी खाता नहीं खुला लेकिन वोट बढ़कर 4.06% हो गए। लेकिन 2016 में बीजेपी का पहली बार खाता खुला, 3 सीटें मिली और वोट भी दहाई का आंकड़ा पार कर गया, 10.16%। इसी साल में लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी देखिए। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बंगाल में खाता नहीं खुला लेकिन वोट मिले 8.06%। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता तो खुला जब 1 सीट मिली लेकिन वोट गिरकर 6.14% हो गए। 2014 में सीट मिली 2 और वोट मिले 17.02%। जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिल गई और वोट मिल गए 40.64%। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत ने बीजेपी में उम्मीदों की नई जान फूंक दी, इसलिए वो इस विधानसभा चुनाव में 2/3 जीत का दावा कर रही है। और विजय सुनिश्चित है, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोकने हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता के गढ़ में सेंध लगाना आसान नहीं, इस बात को बीजेपी भी अच्छे से जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक बार बार बंगाल का दौरा करते रहे। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की अहमियत इस लिहाज से बढ़ जाती है कि लोकसभा में शानदार जीत से विधानसभा जीतने की आशा बढ़ गई है। उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों में सरकार बनाने के बाद बंगाल पर उसकी नजर है। बंगाल बीजेपी के लिए भावनात्मक लिहाज से भी अहम है क्योंकि उसके एक आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से आते हैं। इस मकसद को पूरा करने के लिए बीजेपी एक तरफ आदिवासी इलाकों पर फोकस कर रही है तो दूसरी तरफ पिछले काफी समय से आरएसएस की सक्रियता भी बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार ने समूचे सिस्टम को खराब कर दिया है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के पास प्रदेश में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सिर्फ अपने फायदे के लिए बांग्ला अस्मिता का इस्तेमाल करती है। टीएमसी की सफाई है कि बीजेपी बंगाल में बाहरी लोगों का दखल बढ़ा रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी मुस्लिम तुष्टिकरण करती है। टीएमसी की सफाई है कि बंगाल में जाति और धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी हिंदू विरोधी है। टीएमसी का तर्क है कि ममता ने पुजारियों के लिए मासिक भत्ता और मकान देने का ऐलान किया, साथ ही दुर्गा पंडालों के लिए इस बार मदद भी की। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी हिंदी को तरजीह नहीं देती। टीएमसी का तर्क है कि उसने तो दिनेश त्रिवेदी के नेतृत्व में हिंदी सेल बना दिया। बंगाल के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, जो इसका विरोध में आएंगे लोग उसका जवाब देंगे। बंगाल में वैसे तो आज 4 राजनीतिक खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पर टीएमसी है जो राज्य में सरकार चला रही है। दूसरे नंबर पर बीजेपी है जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीत ली थी। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है और चौथे नंबर पर लेफ्ट फ्रंट। इसी महीने की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा है। उन्होंने अपना सियासी और चुनावी लक्ष्य साफ कर दिया है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में टारगेट भी तय कर दिया। बीजेपी भले ही पिछले विधानसभा चुनाव में 3 सीट जीती थी लेकिन इस बार 294 सीटों में 200 सीटें जीतने का दम दिखा रही है। समग्र स्थिति का विहंगावलोकन अगर करते हैं, उसका एक असेसमेंट लेते हैं जाए तो ये निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 सीटों
5 और 6 नवंबर के दो दिन के दौरे पर अमित शाह ने जयमा काली से जीत का आशीर्वाद लिया। वहीं बिरसा मुंडा को नमन कर आदिवासियों को जोड़ने की कोशिश की। मतुआ समुदाय के घरों में भोजन कर मिशन बंगाल को आगे बढ़ाया। बंगाल में मतुआ समुदाय 1947 में विभाजन के बाद हिंदू शरणार्थी के तौर पर बांग्लादेश से यहाँ आया था। इनकी आबादी 72 लाख है और इनका वोट किसी भी दल के लिए बेहद अहम है। 2019 में बीजेपी का समर्थन करने वाले मतुआ समुदाय ने नागरिकता देने की मांग की है। वैसे केंद्र सरकार कह रही है कि बांग्लादेश से भारत आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। ये वादा चुनावों में भी दिख सकता है। कोलकाता में मनोज्ञा लोयवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। अमित शाह ने 294 सीटों में से इस बार 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाने वाली बीजेपी नागरिकता कानून को बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। और यहाँ से कलकत्ता जा रहा हूँ, हिम्मत है तो अरेस्ट कर लेना, हिम्मत है तो। दीदी इतनी बौखला गई है, कब उन्हें भगवान की बात करना भी खटक रहा। हालत तो ये है कि जय श्री राम कहने वालों को दीदी गिरफ्तार करवाकर जेल भेज रही है। पश्चिम बंगाल में पहली बार धर्म के नाम पर ऐसी सियासत हुई जो बीजेपी के लिए कामयाब है। यही वजह है कि इस सियासत पर पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आई। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 20 और इस जीत के लिए उसने जय श्री राम के नारे को हथियार बनाया। इसी दौरान उत्तर 24 परगना में जब ममता बनर्जी का काफिला निकल रहा था तब बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। दीदी ने बाकायदा अपनी गाड़ी रोकी और नारे लगाने वालों पर बरस पड़ी। उनकी इस बौखलाहट का जिक्र चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। उन्होंने दीदी पर जय श्री राम का नारा लगाने वालों को जेल भेजने का आरोप लगाया। दीदी इतनी बौखला गई है, कब उन्हें भगवान की बात करना भी खटक रहा है। हालत तो ये है कि जय श्री राम कहने वालों को दीदी गिरफ्तार करवाकर जेल भेज रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बार बार ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे थे कि वो उन्हें गिरफ्तार कर ले। ममता दीदी कहती है बंगाल में जय श्री राम नहीं बोल सकते। ममता दीदी मैं जयनगर सीट की मंच पर से जय श्री राम बोलता हूँ और यहाँ से कलकत्ता जा रहा हूँ, हिम्मत है तो अरेस्ट कर लेना, हिम्मत है तो। ममता ने अमित शाह को तो गिरफ्तार नहीं किया लेकिन बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच हुई हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ता मारे गए। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अच्छे आचार किए हैं, बहुत अन्याय किया है। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए। पश्चिम बंगाल में हिंसा पहले भी होती रही है लेकिन पहले ऐसी सियासत नहीं हुई। 2011 में ममता बनर्जी ने वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका और मुख्यमंत्री बनी। लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की लड़ाई में धर्म कभी मुद्दा नहीं रहा। मुद्दा रहा तो ये कि कौन सी पार्टी ज्यादा सेकुलर है। 2016 में भी ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में धमाकेदार वापसी की लेकिन इस बार ममता बनर्जी को धर्म से जुड़ी राजनीति का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल बीजेपी उन पर एक खास तबके को तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। विवेकानंद, श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा। बीजेपी का आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार 30% मुस्लिमों को खुश करने के लिए 70 की अनदेखी कर रही है। ममता की सरकार 30% लोगों की सरकार है। राज्य में 1951 की जनगणना के दौरान 19% मुसलमान थे, वहीं आज ये संख्या करीब 30% तक पहुंच गई। जानकारों की माने तो ऐसे मुद्दों को उठाने का फायदा, आवामी लीग के लोग हमें ये बोलते हैं कि आपके यहाँ बीजेपी आ गया, यहाँ जमात या हिफाजत जैसे लोग हमें कहते हैं कि आप लोग इंडिया का सेकुलरिज्म का क्या मॉडल फॉलो करते हो, इंडिया तो हिंदू राज बन गया, तो इसके चलते वहाँ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है और वहाँ जैसे बढ़ रहा है उसका डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ होता है कि साहब वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। तो यहाँ जब इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं जो सेकुलर पार्टीज उतना नहीं उठाते हैं, बीजेपी उठा रही है उनको। ममता बनर्जी सिरे से मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को खारिज करती है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच अक्सर इसी मुद्दे को लेकर टकराव होता है। जगदल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह गुस्सा इस बात पर फूटा कि बंगाल पुलिस ने उसकी विजय रैली को रोक दिया। ये लोग बिहार में बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे थे जिसे पुलिस ने रोका। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सरकार पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ उखड़े हुए हैं। रूल ऑफ लॉ इज नोज डाइविंग, आई कैन नॉट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर। आपका हाथ में 356 है, क्यों नहीं हुआ? 356 हैव माय अश्योरेंस, इलेक्शन विल बी पीसफुल, इलेक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू लॉ। हालांकि बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं है, ना ही ये बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी टकराव का नतीजा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की शुरुआत 70 के दशक में हुई जब सीपीएम उभर रही थी। फिर वो दौर भी आया जब 90 के दशक के अंतिम वर्षों में तृणमूल ने सीपीएम को चुनौती दी थी। बदला नहीं बदल चाहिए, यानी बदला नहीं परिवर्तन चाहिए का नारा देकर ममता बनर्जी 2011 में राज्य की सत्ता में आई थी। लेकिन समय बीतने के साथ ममता बनर्जी ने सीपीएम के उन्हीं नेताओं और कैडर को अपने साथ जोड़ लिया जो लेफ्ट के जमाने में चुनावी मशीनरी, उसकी वजह से ही जो हिंसा लेफ्ट के दौर में शुरू हुई वो ममता बनर्जी के राज में भी जारी है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। एक तरफ जहां बीजेपी ममता बनर्जी पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि ममता मुसलमानों के तुष्टीकरण का दिखावा करना बंद करें। अब ममता बनर्जी को बीजेपी के साथ ही साथ बंगाल में ओवैसी से भी निपटना होगा। ओवैसी ने बंगाल में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मैं बंगाल का इलेक्शन लड़ूंगा, क्या करेंगे आप? असदुद्दीन ओवैसी के इस ऐलान से बीजेपी जहां खुश होगी, वहीं ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ गई। दरअसल बिहार में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। इसमें से 3 सीटें कांग्रेस आरजेडी के पास थी। उसी तरह अगले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी वो ममता बनर्जी का खेल खराब कर सकते हैं। बिहार में हार के बाद कांग्रेस ने ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया था, लेकिन आज तक से बातचीत में ओवैसी ने कहा इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बंगाल का इलेक्शन लड़ूंगा, क्या करेंगे आप? मैं लड़ूंगा, यूपी का भी लड़ूंगा 2022 में, हर जगह लड़ूंगा मैं। जीत हार तो जनता तय करेगी, मेरे मुकद्दर में तो होगा, मगर ये जो इनका अहंकार है ना कि आप क्यों लड़ते हैं, हमको नुकसान होता है। बंगाल में मुस्लिम वोटर टीएमसी और कांग्रेस का माना जाता है, ऐसे में अगर बंगाल में ओवैसी की एंट्री होती है तो उनका वोट बढ़ सकता है और इस वजह से टीएमसी की चिंता बढ़ सकती है। उसने ओवैसी को वोट कटवा बता दिया है। असदुद्दीन ओवैसी का इसे तो अच्छा आदमी है, अच्छा पार्लियामेंटेरियन है, हमारे साथ बहुत दिन लोकसभा में है, लेकिन उसको नाम ही है वोट कटवा। वो अमित शाह का राइट हैंड है और अमित शाह का ओर से वो वोट काटते हैं। बंगाल में मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 27% है जो हार और जीत के अंतर को तय करता है। कुल आंकड़े की बात करें तो करीब 16 जिले ऐसे हैं जहां 10% से अधिक मुस्लिम रहते हैं। इसमें से 12 जिलों में तो संख्या
20% के पार पहुंच गई। अगर सीटों का हिसाब लगाएं तो 294 विधानसभा सीटों में से 90 पर मुस्लिम मतदाता ही जीत और हार का अंतर तय करते हैं। दूसरी ओर अवैसी पहले ही ममता बनर्जी को नसीहत दे चुके हैं कि वो दिखावे के लिए मुसलमानों का तुष्टिकरण न करें। हम बंगाल के मुख्यमंत्री से ह्यूमिलिटी के साथ अपील कर रहा हूँ कि आप ये सब छोड़ दीजिए, दुआ के लिए हाथ उठाना, इफ्तार की दावत करना, मुसलमान इसका मोहताज नहीं है। आप जमीन के ऊपर एम्पावरमेंट की काम करिए। वोट की वैल्यू क्या है हमारे? वोट तो डाल रहे हैं मगर लीडरशिप कहाँ है? लीडरशिप तो आपकी है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपने कुछ किया ही नहीं। हालांकि ममता बनर्जी ने नागरिकता कानून के विरोध में झंडा बुलंद कर मुसलमानों का भरोसा हासिल करने की भरपूर कोशिश की है। संसद में जहां गृह मंत्री अमित शाह नागरिकता कानून के पीछे चट्टान की तरह खड़े होने का दम भरते रहे, वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि उनके जीते जी नागरिकता कानून कभी बंगाल में लागू नहीं होगा। हम पुरस्कार बोलते हैं बांग्ला एनआरसी में कोनो कथा होय नी होबे और एनआरसी हमरा बांग्ला करते देबो। सीए के खिलाफ मुसलमानों ने जब विरोध प्रदर्शन किया तो बंगाल में जमकर हिंसा हुई। दो दिनों तक जारी हिंसा के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरे दिन ममता बनर्जी ने खुद इस विरोध का नेतृत्व संभाल लिया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नागरिकता कानून का मुद्दा छाया रहेगा। बीजेपी यहाँ ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ देने का आरोप लगा रही, वहीं ओवैसी का आरोप है कि उन्होंने मुसलमानों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए 2021 का चुनावी रण बेहद मुश्किल होने वाला है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं संघर्ष महाभीषण है, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में चुनाव का तनाव अब दिखने लगा है। बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है कि वो इस बार ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। वैसे बंगाल में लेफ्ट के लाल झंडे को सत्ता से बेदखल किया था ममता बनर्जी ने। कांग्रेस ने जब लेफ्ट के आगे घुटने टेक दिए तो ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई, लड़ी और 34 साल की लेफ्ट फ्रंट की सरकार को उखाड़ फेंका। सड़क की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी ने 9 साल पहले पश्चिम बंगाल में सत्ता की राजनीति का व्याकरण बदल दिया। 34 साल से अपराजेय माने जाने वाले लेफ्ट फ्रंट के लाल रंग को इस बंगाल टाइगर्स ने उतार दिया। दो हजार 2011 में बंगाल में हुआ सत्ता परिवर्तन 35 साल के सियासी संघर्षों का अंजाम था। इसके लिए ममता बनर्जी ने सड़क से विधानसभा और विधानसभा से लोकसभा तक की लड़ाई लड़ी, मार खाई, इज्जती बर्दाश्त की, लेकिन हार नहीं मानी। बस राजनीति के सूत्र को पकड़े रहा कि विरोधी को परास्त करने के सिवा और कोई लक्ष्य नहीं। 1977 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सूरज डूब गया और नया सितारा निकला लेफ्ट का। लेफ्ट फ्रंट की एक बार सरकार बनी तो उसने अंगद की तरह बंगाल की मिट्टी में अपना पांव जमा लिया। तब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शांत पड़ने लगे, लेकिन 22 साल की ममता ने लेफ्ट के नेताओं के खिलाफ अपनी लड़ाई की धार धीमी नहीं होने दी। कांग्रेस ने धीरे धीरे मान लिया था कि कम्युनिस्टों को वो हरा नहीं पाएगी, लेकिन ममता ने हार नहीं मानी थी। इसलिए 1984 में जब कांग्रेस ने उनको सीपीएम के सबसे दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ जाधवपुर से मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने ममता को लड़ा दिया। 29 साल की ममता जमकर लड़ी और सोमनाथ को हराकर संसद में पहुंची। ममता के सिर पर बंगाल से लेफ्ट को उखाड़ फेंकने का जुनून सवार था। इससे लेफ्ट की आंखों की वो किरकिरी बन गई। कहते हैं कि राजीव गांधी ने ममता को समझाया था, लेकिन ममता नहीं मानी। ममता का तीन चीज है, एक है उसका फाइटिंग स्पिरिट, नेवर से डाई, हार नहीं मानने को तैयार, लड़ने वाले हैं, मैदान में उतर के लड़ने वाले हैं। और ये बंगाल का जो एजिट प्रॉप पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ना, ये ट्रेडिशन का सबसे सफल पॉलिटिशियन ममता ही रहे, एजिट प्रॉप पॉलिटिक्स। 16 अगस्त 1990 को कांग्रेस ने बंगाल बंद, उस दिन ममता पर सीपीएम के लोगों ने लाठियों से हमला किया। ममता के सिर पर एक डंडा लगा और खून बहने लगा। उसके बाद से ममता पर कई बार हमले हुए। जनवरी 1993 में मुख्यमंत्री दफ्तर राइटर्स बिल्डिंग से उनको जबरन खींचकर सड़क पर फेंका गया। 21 जुलाई 1993 को भी ममता पर हमला हुआ जिसमें उनको बहुत तेज चोट आई, लेकिन हर चोट को ममता ने
लेफ्ट के खिलाफ चुनावी चोट में बदलने का पीड़ा उठ। यही वजह है कि राइटर्स बिल्डिंग वाली घटना के बाद ममता ने कसम खाई कि इस राइटर्स बिल्डिंग में वो लौटेंगी तो अपने सिर पर ताज सजाकर। एक तरफ लेफ्ट से दो दो हाथ तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी ममता की लड़ाई चलती रही। नरसिम्हा राव ने उनको खेल और युवा मामलों का राज्य मंत्री बनाया था, लेकिन 25 नवंबर 1992 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लेफ्ट के खिलाफ मृत्यु घंटा रैली में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान। लेकिन राज्य में ममता के दबदबे और आधार को देखकर कांग्रेस चुप रह गई। हालांकि अंदर खाने माहौल कितना बिगड़ा कि 1996 की लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ममता से टिकट बांटने पर पूछा तक नहीं। तब उन्होंने अपनी शॉल से फंदा लगाकर फांसी तक लगा लेने की धमकी दी थी। हालांकि इससे कांग्रेस के तेवर बदले नहीं और 1997 में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव हार गई। तभी ये तय हो गया था कि अब ममता कांग्रेस में टिकेंगी नहीं। आखिरकार 1 जनवरी 1998 को ममता ने अपनी नई पार्टी बना ली, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। It means 22. If we contest 28, even we can get 22. उसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में ममता 7 सीटें जीत गई और जिस कांग्रेस ने किनारे किया वो 1 पर सिमट गई। उसके बाद ममता एनडीए में आ गई और 1999 में वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बन गई। तहलका कांड में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का नाम आने के बाद उन्होंने एनडीए छोड़ दिया। 2001 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, लेकिन नतीजे बहुत खराब आए। 2002 में ममता फिर से एनडीए में चली गई। 2004 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा, जब अपनी पार्टी से सिर्फ ममता ही चुनाव जीत पाई। बड़े बड़े सियासी पंडितों ने मान लिया ये ममता के सियासी पतन का समय है। हालांकि उस चुनाव में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने शानदार प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, 2006 के विधानसभा चुनाव में भी बुद्धदेव भट्टाचार्य की अगुवाई में लेफ्ट का प्रदर्शन शानदार रहा। लेकिन ममता के लिए वही साल टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। जो कम्युनिस्ट का गढ़ था और जो कम्युनिस्ट लोगों का सबसे बड़ा हथियार था, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि संस्कार, ये जमीन के मुद्दे पे ही कम्युनिस्ट को, यानी कि आप स्पिन बॉलिंग अच्छा खेलते हैं, आपके स्पिनिंग विकेट पे ही हमने आपको गिरा दिया। तो जो अच्छा स्पिन खेल लेता है, समझ लीजिए उसके विकेट में जाके जो उतना स्पिन नहीं जानता था वो स्पिनर को खेल गया। ममता का किस्सा कुछ इस तरह। जीत से उत्साहित लेफ्ट फ्रंट सरकार ने नई औद्योगिक नीति शुरू कर दी, जिसमें टाटा नैनो कार के लिए सिंगूर में किसानों का भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ। किसानों ने विरोध किया तो ममता इससे सियासी फलसफे को पहचान गई। वो सिंगूर के लिए चल पड़ी, लेकिन सरकार ने रोक दिया। किसान लेफ्ट के सबसे बड़े आधार थे और जमीन की लड़ाई सबसे बड़ा हथियार। ममता ने लेफ्ट से उनका आधार और हथियार दोनों छीन लिया। In 2006 के सितंबर में ही ममता अनशन पर बैठ गई। 23 दिन के उस अनशन का नतीजा ये हुआ कि ममता ने अपनी खोई हुई जमीन वापस ले ली, बल्कि लेफ्ट की सियासी जमीन का भी अधिग्रहण कर लिया। सिंगूर के बाद नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने का मसला आया, जिसका टीएमसी ने विरोध किया। 17 मार्च 2007 को पुलिस फायरिंग में 14 लोग मारे गए। ममता ने करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे का नारा मजबूत कर दिया। उसी समय न्यूक्लियर सौदे पर लेफ्ट कांग्रेस से अलग हो गई, तो ममता ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इसका फायदा 2009 के लोकसभा चुनाव में हुआ। ममता को शानदार जीत मिली और वो मनमोहन सरकार में रेल मंत्री बने। तो सियासी जमीन उन्होंने हासिल कर ली थी, उसको बरकरार रखा और उसके कारण 2011 में मिली शानदार जीत। तांत की सस्ती साड़ी और पैरों में हवाई चप्पल पहनकर चलने वाली ममता ने बंगाल में लाल किले को ध्वस्त कर दिया।
2019 के रण में बीजेपी ने जहां 18 सीटें जीती थी, वहीं टीएमसी ने 22 सीटें पश्चिम बंगाल में जीती थी, जिसके बाद बीजेपी और आक्रामक हो गई और यही कारण है कि अब सीधी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में देखी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।